कॉन्फिडेंस भाई, हर कोई चाहता है कॉन्फिडेंट होना। जाहिर सी बात है, आपको भी अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, तभी आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक किया है। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो में बताए गए 5 पॉइंट्स को अपनी लाइफ में अप्लाई कर दिया तो आपका कॉन्फिडेंस अभी जो है उससे 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। यस, यू हियर इट राइट, 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। हाय गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल माही एनर्जी दिस साइड। और आज बात हो रही है 5 वेज टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। और मैं आपको बता दूं, जो 5वां पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक माही एनर्जी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई क्यों वेट कर रहे हो, फ्री में होता है, तुरंत सब्सक्राइब करिए। क्यों? क्योंकि यहां पर हमें और आपको मिल करके साथ में ग्रो करना है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं पहले पॉइंट के साथ में। पहला ऑप्शन जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वो होता है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब तक आप अपने बारे में निगेटिव सोचते रहोगे, अपने बारे में निगेटिव बोलते रहोगे, तब तक आपका कॉन्फिडेंस कभी बढ़ ही नहीं सकता है। अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना है, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, सो यू हैव टू टॉक पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। आपको अपने बारे में ही पॉजिटिव बोलना पड़ेगा। जब तक आप अपने बारे में अंदर ही अंदर ये बोल रहे हो, अरे यार मैं पागल हूँ, अरे मैं अच्छा नहीं दिखता हूँ, अरे शायद मैं उतना हैंडसम नहीं हूँ, अरे शायद मैं उतनी ब्यूटीफुल नहीं हूँ, अगर आप ये सब अपने आप को बोल रहे हो, तो यार आपका कॉन्फिडेंस कभी बढ़ ही नहीं सकता है। आप अपने बारे में जब पॉजिटिव बात करोगे तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चलो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो है टेक केयर ऑफ योर बॉडी, ईट हेल्दी, स्लीप जो कि कम से कम 7 से 8 घंटे की होनी होनी चाहिए। जो आप खाते हो वो आप देखो, जंक फूड मत खाओ। जब तक कि आप सही खाओगे नहीं तब तक कि आप कॉन्फिडेंट रह ही नहीं सकते हो यार। अपने बॉडी को एक रेस्ट दो। रात में 2-2 बजे तक अगर फोन चलाओगे तो कैसे कॉन्फिडेंट रहोगे, सुबह जब देर से उठोगे। कहने का मतलब है कि ईट हेल्दी, एक अच्छी स्लीप लो, उसके साथ साथ में थोड़ा बहुत ही हो सके एक्सरसाइज करो, बहुत कम तो योगा कर लिया करो, थोड़ा बहुत मॉर्निंग वॉक पे ही जाओ, एटलीस्ट टेक केयर ऑफ योर बॉडी। थर्ड जो पॉइंट है वो है हैंग आउट विद पॉजिटिव पीपल। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ ही उठो बैठोगे तो भैया आप पॉजिटिव नहीं रह पाओगे। अगर पॉजिटिव नहीं रहोगे तो आपका कॉन्फिडेंस तो बढ़ने वाला है नहीं। जितना हो सके उतना पॉजिटिव लोगों के साथ हैंग आउट करो। अगर आपके फैमिली में पॉजिटिव लोग हैं तो उनके साथ हैंग आउट करो। आपके दोस्तों में देखो पॉजिटिव कौन है, आपको लेकर के, आपके सपनों को लेकर के, उनके साथ हैंग आउट करो। उन लोगों के साथ मत उठो बैठो जो आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, जो आपको नेगेटिव बात कर रहे हैं, जो फालतू की पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। अगर आप उनके साथ उठो बैठोगे तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं बनने वाला है। कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आपको पॉजिटिव लोगों के साथ उठना बैठना होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। तो जो चौथा पॉइंट है वो है एकम्प्लिश स्मॉल गोल्स। पहले ही दिन से अगर आपको सफारी और फॉर्च्यूनर लेनी है तो आप जल्दी उस गोल के लिए काम तो करोगे, बट कुछ ही दिन बाद आप बैठ जाओगे घर पे, क्योंकि आप कंसिस्टेंट उतना रह नहीं पाओगे और उसके बाद में आपको रिजल्ट्स भी तुरंत बड़े बड़े नहीं मिल जाने वाले। पहले यार छोटे छोटे गोल्स बनाओ। पहले आप ये गोल बनाओ कि आपको अपनी इनकम से एक मोबाइल फोन लेना है, या फिर आपको एक साइकिल लेनी है, या फिर आपको एक स्कूटी लेनी है। जैसे जैसे छोटे छोटे गोल्स आप एकम्प्लिश करोगे वैसे ही वैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा बड़े गोल्स तो अपने आप अचीव हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं बड़े गोल्स मत अचीव करो, मैं ये कह रहा हूं कि पहले छोटे छोटे गोल्स अचीव करो। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट की। ओके, तो जो फिफ्थ पॉइंट है वो है कंपेयर योर प्रोग्रेस विद ओनली योरसेल्फ। अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने आप से कंपेयर करो, किसी और से नहीं। जितना ज्यादा आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करोगे उतना ही ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस कम होता रहेगा। और कॉन्फिडेंस बढ़ता कैसे है? बढ़ता ऐसे है जब आप अपनी प्रोग्रेस को अपनी पिछली वाली प्रोग्रेस से कंपेयर करते हो। रोज 1% ग्रो करो और अपने आप को खुद ही से कंपेयर करो। जैसे जैसे आप खुद को कंपेयर करोगे खुद से उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये 5 पॉइंट्स थे। कैसे लगे आपको 5 पॉइंट्स और कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा है मुझे कमेंट में बताइए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में, ताकि और लोगों की भी इस वीडियो से हेल्प हो सके। और अगर आपने अभी तक माही एनर्जी को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करा है प्लीज फॉलो करिएगा, वहां पर भी हमारा हैंडल यही है। और अगर आपने यहां तक के वीडियो को देख लिया तो प्लीज यही कमेंट कर दीजिए कि मैंने लास्ट तक देखा है, मुझे बहुत खुशी होगी। मैं फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आई विल सी यू एट द टॉप।